Assalamualaikum everyone, आज हम बनाएंगे वॉलन डिलाइट. इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट कोल्ड डिजर्ट. इट कम्स टुगेदर ओनली इन 5 मिनट्स एंड आई विल बी शेयरिंग टू इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग इट. इसके लिए हमें सिर्फ 3 से 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए एंड आई बेट यू आर गोना लव इट. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, वंस अगेन आई विल बी वर्किंग विद ओल्ड प्रेस डेरी क्रीम. इफ़ यू हैव व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू यूज़ इट, बट बहुत सारे लोगों के पास व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं होती, इसलिए हम लोग सिंपल डेरी क्रीम को व्हिप करेंगे बिकॉज ये हर जगह बहुत ईजीली अवेलेबल होती है. हमेशा की तरह हम इसे यूज़ करने से पहले 15 मिनट फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये फुली चिल्ड हो जाए. अगर आपकी क्रीम फुली चिल्ड नहीं है तो ये व्हिप नहीं होगी. आपने इसको स्लो स्पीड पे व्हिप करना स्टार्ट करना और इमीडिएटली हाई स्पीड पे ले जाइएगा और ये विद इन 1 to 2 मिनट्स व्हिप हो जाएगी. अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको विस्क भी कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी टू व्हिप इट बट रिकमेंडेड. आप बेशक इसको व्हिप करें या आप बेशक इसको विस्क करें, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इट्स जस्ट अगर आप लोग व्हिप कर रहे हैं तो आपके डिजर्ट का टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा. सो फील फ्री टू विस्क इट इफ यू डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक बीटर. जैसे ही क्रीम के सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो जाए, वी आर डन बीटिंग एंड देन वी विल एड 1/2 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क. अगर आप लोगों के पास कंडेंस्ड मिल्क भी अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसमें पाउडर्ड शुगर ऐड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कंडेंस्ड मिल्क वाला टेस्ट तो नहीं आएगा, बट इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद द पाउडर्ड शुगर. अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग 1/2 कप से ज़्यादा कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कम मीठा पसंद है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कंडेंस्ड मिल्क ऐड कीजिएगा. इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 1/2 रोल्स ऑफ बिस्किट्स. इनको हम मिल्क में सोक कर लेंगे. आप लोग कॉफ़ी में सोक करना चाहते हैं आप उसमें भी कर सकते हैं. आई प्रेफर सोकिंग इट इन द मिल्क. इनको आपने बस कुछ सेकंड्स के लिए सोक करना है. इतना ज़्यादा सोक नहीं करना कि ये टूट जाएं. उसके बाद सेकंड लेयर हम ऐड करेंगे क्रीम मिक्सचर की. आप लोग इसमें कोई भी बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अगर आप लोग स्वीट बिस्किट्स यूज़ करें तो आप लोग अपने क्रीम मिक्सचर में स्वीटनेस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा. मैं यहाँ पर मेरी बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ. एक दफ़ा मैंने कैंडी भी यूज़ किए थे, बट वो बहुत ओवरली स्वीट हो जाता है. सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू यूज़ मेरी बिस्किट्स. यहाँ पे हमें थोड़े से क्रश्ड वॉलनट्स भी चाहिए होंगे. मैंने इनको ड्राई रोस्ट किया हुआ है. अगर आप लोग विदाउट रोस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं आप लोग उस तरह भी कर सकते हैं, बट रोस्टेड वॉलनट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है. मैं यहाँ पे वॉलनट्स की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी मेंशन नहीं कर रही, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा पसंद है आप उतने वॉलनट्स ऐड कीजिएगा. अगर आपको नहीं इतने ज़्यादा पसंद तो आप लोग कम क्वांटिटी ऐड कीजिएगा. यहाँ पे आप लोग क्रीम मिक्सचर की कंसिस्टेंसी भी अच्छे से देख लें. आप लोगों के क्रीम मिक्सचर की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए. Top your dessert with anything you like. I am topping it with the crushed walnuts and some crushed biscuits, and I had some leftover of the caramel sauce, so I'll be using this sauce as well. Be creative with your topping. This is something I always say, and share the pictures with me. इसको हम सर्व करने से पहले कम से कम 5 से 6 घंटे फ्रीज करेंगे. एंड कीप योर लेफ्ट ओवर्स इन द फ्रीजर बिकॉज इट टेस्ट ग्रेट व्हेन इट इज चिल्ड.